दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा के उपमंडल ज्वाली के वार्ड 3 के दर्जन भर घरों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। धर्मेंद्र कुमार, सीमा दुग्गल, प्यारेलाल, ओम प्रकाश, शशिपाल, चैन कुमारी, चमनलाल और रामकली ने बताया कि पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनको बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अगर पानी की सप्लाई आती भी है तो कम प्रेशर होने की वजह से एक बाल्टी भी नहीं भरती और सप्लाई बंद हो जाती है। उन्होंने कहा है कि पानी की सप्लाई न होने के कारण भटकना पड़ रहा है, नल के शोपीस बनकर रह गए हैं। विभाग भारी भरकम बिल तो भेज देता है लेकिन पानी की सप्लाई देना भूल जाता है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग को पिछले साल भी गर्मियों में लिखित रूप से इस समस्या से अवगत करवाया गया था लेकिन आश्वासन ही मिले, अब दोबारा यही समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे खाली घड़े लेकर विभाग के दफ्तर का घेराव करेंगे। उधर जल शक्ति विभाग ज्वाली के SDO भारती पुन्नी ने कहा कि जल्द ही समस्या हल करवा दी जाएगी। कई सालों से नहीं है पानी और यह है कि जो पाइप है वो छोटी है और हमें यह है कि पानी ज्यादा चाहिए, पर पाइप मोटी डल जाए तो पानी आएगा हमारे। तो आपने किसी को गुहार नहीं लगाई किसी के आगे कि हम लगाई? तो इसमें एप्लीकेशन वगैरह सब दिया आप लोगों ने? हाँ जी दिया। अभी कितने दिन के बाद पानी आता है आपको? कितने दिन के बाद पानी आता है? कितने पानी तो रोज आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत थोड़ा पानी, जैसे एक ही घर पानी भर सकता है, बाकी कोई दिन नहीं। तो आपने एप्लीकेशन जो है वो कितने दिन हो गए दिए हुए? आपने विभाग को एप्लीकेशन दिए हुए कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो गए? काफ़ी, मतलब कि सर ऐसा है कि काफ़ी दी थी ना, काफ़ी मतलब एप्लीकेशन दे चुके हैं इनको, तो पिछली बार जैसे एक साल पहले हम अपना खुद खर्चा करवा के जो नाली है ना वो खुदवाई थी, तो वो भी मतलब कि परेशानी ली थी हमने भी, वो भी उन्होंने पाइपें दी थी, मतलब मोटी दी थी ना पाइपें, तो वो भी वापस हो चुकी थी। करवा दी तो 4 पाइपें दी थी, वो ही डलवाई इन्होंने, आगे की जो पाइप है वो है वैसी की वैसी और पानी आता है। उन्हें मौका भी दिखाया हमने लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके, और जो नगर पंचायत के प्रधान हैं उनको भी हमने बताया 3-4 बार जाकर, तो उन्होंने उनके कहने पर भी उन्होंने जो कुछ कार्रवाई नहीं की। लॉरेंस पब्लिक स्कूल गुलेर कोरोना महामारी के इस विकट दौर में आप सबसे यह अपील करता है कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क या गमछे से अपने मुंह को ढककर रखें। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इस महामारी के दौर में हमारी रक्षा के लिए तैनात कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। लॉरेंस पब्लिक स्कूल गुलेर, नजदीक रेलवे स्टेशन गुलेर, तहसील हरिपुर, कांगड़ा, एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, प्री नर्सरी टू 10th। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो, अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर, प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्यारे मजदूर साथियों, सारी दुनिया इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है, सारी मानव जाति कांप उठी है, भयंकर संकट से गुजर रही है, मजदूरों के साथ जो हो रहा है अमानवीय है, निंदनीय है। इस संकट में मेरी आप सबसे अपील है कि हम लोग इस कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा जारी समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हाथ धोना, मास्क लगाकर रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमें कोशिश करनी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, एकत्र नहीं होना है, बड़े समारोह में शामिल नहीं होना है,
ताकि हम स्वस्थ रहें और मजदूरी कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। धन्यवाद।